फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपने एंड्रॉयड एयरटेल एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, फॉर्मेट करने की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारा सेटअप बॉक्स हैंग करने लगता है, यानी कि थोड़े बहुत उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं, जैसे कभार रिमोट काम नहीं करना या फिर कभी कभार हैंग करना। इन जैसा अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो हमें उसको फॉर्मेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हम अपने एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स एयरटेल एक्सट्रीम को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एयरटेल एक्सट्रीम को फॉर्मेट करने का दो तरीका है। अलग अलग प्रॉब्लम जब होता है दोस्तों, तो अलग अलग हमें फॉर्मेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर दोस्तों हमारे चैनल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कोई चैनल्स नहीं चल रहा है, उसका नंबर इधर उधर सेट हो गया है, या फिर नो सिग्नल जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो उसका फॉर्मेट अलग होता है। और जब डिवाइस हैंग करने लगता है तो उसका फॉर्मेट अलग होता है। तो अगर फ्रेंड्स आपका एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स है और वो हैंग कर रहा है, या फिर रिमोट कोई काम नहीं कर रहा है, या फिर वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर वाईफाई कनेक्ट भी हो गया है फिर भी आपका यूट्यूब जैसा या फिर कोई और एप्लीकेशन जो है OTT प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा है, तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों आपको अपना जो एयरटेल एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स है उसको फॉर्मेट करने की। या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है दोस्तों, तो हमें सेटअप बॉक्स को फॉर्मेट करना पड़ जाता है कई केस में। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे हमारे पास एंड्रॉयड एयरटेल एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स हो या फिर हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल हो, कोई भी दोस्तों एंड्रॉयड डिवाइस है, अगर उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो दोस्तों हम सोचते हैं कि उसको फॉर्मेट ही कर दे। तो चलिए फॉर्मेट करने का हम तरीका अब आपको बता देते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारे बैकग्राउंड में सोनी ब्राविया का टीवी, और इसके साथ दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ एयरटेल एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको लेकर के आ चुके हैं अपने टीवी स्क्रीन के पास। सबसे पहले दोस्तों हम आपको दो तरीका बता देते हैं कि कौन कौन से तरीके से हम फॉर्मेट कर सकते हैं और कौन सा तरीका आपको अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कॉर्नर में राइट साइड में सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सेटिंग्स वाले बटन पर आप क्लिक करते हो तो नीचे की तरफ आपको आना है। नीचे की तरफ जब आप आइएगा तो आपको यहाँ पर चैनल रीसेट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। चैनल रीसेट आपको तब करना है जब आपने कोई चैनल अपने पैकेज में लिया हुआ है, अपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है चैनल का, और वो चैनल आपके टीवी में नहीं आ रहा है, तब दोस्तों आप चैनल रीसेट कीजिएगा। अदरवाइज दोस्तों आपको अपना सिस्टम को रीसेट करना है, अपने एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स को रीसेट करना है, तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि अपने एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स को किस तरह से रीसेट कर सकते हो। अब दोस्तों अपने एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स को रीसेट करने के लिए आपको सेटिंग्स में ही आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एंड्रॉयड सेटिंग, एंड्रॉयड सेटिंग्स में आपको आ जाना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट आ गया है, अकाउंट एंड साइन इन, एप्लीकेशंस, डिवाइस एंड प्रेफरेंस वाले बटन पे हमें सीधा चले आना है और यहाँ पर आके ओके कर देना है। ओके करने के बाद सबसे नीचे आपको आना है दोस्तों, सबसे नीचे रीसेट करने का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, तो यहाँ पर रीसेट करने का ऑप्शन आपको दिखाई दे देगा। तो सबसे नीचे आपको रीसेट वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर कैंसिल और यहाँ पर रीसेट दो तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। एक नोटिफिकेशन दिया गया है दोस्तों, डिलीट योर ऑल पर्सनल डेटा ऑन इन्फॉर्मेशन डाउनलोड एप्स। इसके कहने का मतलब है दोस्तों, जितने भी आपने एप्लीकेशन और डेटा डाउनलोड किया है वो सारे एप्लीकेशन और डेटा ये डिलीट कर देगा अगर आप हम इसको रीसेट करते हैं। तो चलिए हम रीसेट करने के लिए डिलीट एवरीथिंग वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं, तो ये सारा कुछ डिलीट कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो रीस्टार्टिंग, और यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है फैक्ट्री डेटा रीसेट। अभी दोस्तों फैक्ट्री डेटा पूरा रीसेट कर दिया है, अब हमें थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक ये ऑन नहीं हो जाता है, बस इतना ही करना है दोस्तों। दोस्तों हमारा जो टीवी है वो अभी ऑन हो चुका है, तो यहाँ पर कुछ एक्सेस करने के लिए यहाँ पर क्विक सेटअप करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, जैसे हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से ईमेल आईडी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट स्किप कर दे रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क हमें नहीं चाहिए, डायरेक्ट हम जल्दी ही अपना सारा कुछ सेट कर रहे हैं, तो लोकेशन वाले को यस करना होगा, नहीं तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, सारा हमारा ये चीज़ जो है वो कंप्लीट होने ही वाला है। अब बस ये हमारा जो है चैनल, सारे चैनल्स ये रेडी करेगा और ये हमारे एंड्रॉयड डिवाइस को फिर से ये रेडी कर रहा है। तो यहाँ तक हमें थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद ये हमारा सारा एप्लीकेशन एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स है ये स्टार्ट हो रहा है। फाइनली दोस्तों हमारा जो सेटअप बॉक्स है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से हम चाहे तो कोई भी चैनल्स या फिर कुछ भी हम आराम से कर सकते हैं। अभी देख सकते हो फ्रेंड्स, पहले से ये थोड़ा सा फास्ट चलने लगा, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है दोस्तों ये हमें रीसेट करना।